बीते दिनों गूगल ने अपने ऐप स्टोर से कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि ऑनलाइन पर्सनल लोन प्रदान करते हैं। ये ऐप अब कंज्यूमर्स द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकते क्योंकि गूगल ने 31 मई को प्रतिबंध को लागू कर दिया है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से ऐसे 2000 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप्स को हटा दिया है जो कि पर्सनल लोन दे रहे थे और कर्ज वसूली के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस ब्लैकमेलिंग के कारण कुछ लोगों को सुसाइड के लिए भी प्रेरित किया गया क्योंकि मूल राशि से 2 से 3 गुना ज्यादा लोन चुकाने के लिए लोग मजबूर हो गए थे। भारत सरकार ने पर्सनल लोन देने वाली ऐप्स के ऊपर सख्ती दिखाई है। ये सख्ती पर्सनल लोन देने वाली ऐप्स द्वारा जबरन वसूली यानी कि जो पैसे लेते थे, जो लोन लेते थे, उन लोगों को डरा धमका के उनसे वसूली कर दी जाती थी, जिसको लेकर भारत सरकार ने सख्ती दिखाते हुए RBI की ओर से गूगल को एक डाटा मांगा गया। भारत सरकार पर्सनल लोन देने वाले ऐप से निपटने में काफी सख्ती बरत रही है और ऐसे ऐप्स अब लोन देने के लिए अधिकृत यानी कि अथॉराइज्ड नहीं है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने गूगल से भी जवाब मांगा था। जवाब में गूगल ने उन 2000 से भी ज्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है जो कि लोन के नाम पर फोटो और कॉन्टैक्ट जैसी सेंसिटिव डेटा को इकट्ठा कर रहे थे। इसके साथ ही कंज्यूमर्स को थर्ड पार्टी लेंजर से जोड़ने वाले लीड जनरेटर ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।